तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो फायर यहां पे था ना, कलेट कर लेती हो यांग हमारे मैकेटर को देती हो, कहती हूँ डोंट वरी इसको पकड़, जो भी कोल्ड एनर्जी यहां पे थी ना मैंने खत्म यहां पे कर दिया, तुम ले सकते हो, तुमको कोई भी तकलीफ वकलीफ यहां पे बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर इस फायर की बॉडी में जो तुम्हारा बॉडी अभी के लिए सह नहीं पाएगा। जो भी फेंग नाम का लड़का था ना उसको जलन होती है, इतना कमाल का आगे ना इस बेकार से लड़के को देने को तैयार यहां पर हो चुकी है। सामने से कहती अभी चलते आराम करते, तुमको जो मैंने टेक्निक यहाँ पे सिखाई ना 14-15 दिन लग जाएगा अच्छे से मास्टर करने में, वही टेक्निक बाद में यूज करना, आपको रिफाइन यहाँ पे कर लेना। तो सामने से ये कहता है सुनो यार आयु जगह यहाँ पे बड़ा डेंजरस है जहाँ पे जाने के बारे में तुम लोग बातचीत कर रहे हो, हम दोनों मिलकर इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज यार अभी हम लोग यहीं से निकल के जाते हैं। ये कहते हैं डोंट वरी मेरे पास ये जो बक्सा है ना, मालूम चलता कोई बक्सा यहाँ पे नहीं है बल्कि कॉफिन यहाँ पर, यानी ताबूत जिसमें बंदूक की लाश रखी जाती है, वही बताते कि जब बड़ी मुसीबत आएगी ना ये ताबूत ओपन में कर लूंगी। जो सुंदर दूसरा बंदा कहता क्या ताबूत ओपन करोगी, अरे ताबूत ओपन करने के लिए तुम्हारा जो अंजाम है ना अंजाम बुरा हो जाएगा। हमारा मेन कट अभी समझ जाता है कि शीट यार मुझे याद है मेरी जान बचाने के लिए इन्होंने ताबूत ओपन नहीं किया था, लेकिन ताबूत के ऊपर का जो चैन यहाँ पे था ना चैन यूज किया था जिसके वजह से इनको चोट लगी थी, यानी सोचो ताबूत ओपन करने पर ना इनको ज्यादा चोट लग सकती है, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से ना इनको चोट लगे, इसलिए कहते काम कीजिए भाई हम लोग कहीं नहीं जाते, हम लोग यहीं पर रहते, यहीं पर बैठे बैठे जो आग है ना आग में रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। जो सुंदर ये कहती मजाक करो क्या, मैंने तुमको टेक्निक यहाँ पे सिखा दी लेकिन टेक्निक सीखने में 14 या 15 दिन का टाइम लगेगा, उसको बिना अच्छे से सीखे तुमने अगर रिफाइन करने की कोशिश की ना तुम्हारी मौत भी हो सकती है, इस चोमो की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आराम से हम लोग करेंगे। वो फेंग भी कहता नहीं मुझे अपने जूनियर पे पूरा विश्वास है, करने दो। तो ये भी कहता टेंशन ना लो मैं आराम से यहाँ पे कर लूंगा, अपने सिस्टम में वो जो उसके लिए ना एक्टिवेट कर लेता कि सिस्टम एक्टिवेट कर और मेरी बॉडी से ये सब करवा, फायर यहाँ पे ले लेता है और बैट को उसको रिफाइन करना चालू कर देता है। ये ओयंग समझाते भी डेंजर हो सकता है जान जा सकती है, ये नहीं सुनता। ओ फेंग तो बड़ा खुश है कि हाँ बेटे टू ट्राई मार, यार जूनियर से जीनियर से बंदा ना वो भी इतना जल्दी कर नहीं पाता तो ये क्या घंटा कर पाएगा, यार ये पक्का यहाँ पे मरेगा, लेकिन सिस्टम यहाँ पे करवा रहा है और सिस्टम ने पूरा टेक्निक मास्टर यहाँ पे कर लिया तो जाहिर सी बात है उसको बिल्कुल भी तकलीफ यहाँ पे नहीं हो रही थी। जो देख के लड़के की जल के खाक हो जाते कि भाई क्या है, नहीं ये क्या है यार इसको कोई तकलीफ यहाँ पे काय को नहीं हो रही। ओयंग यहाँ पे खुश थे कि वाह यार ये तो पीले बनाने में बड़े चैंपियन है और ये सारी टेक्निक इतना जल्दी सीखने में भी चैंपियन है। हमारे मेकअप को तकलीफ हो रहा था, उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था बॉडी के अंदर, लेकिन सिस्टम सामने से शो कर नहीं रहा था तो गुस्सा करता सिस्टम के, सिस्टम यार आज तक तूने कोई भी आसान मेरे ऊपर नहीं किया, एक बार मेरा बॉडी से असर खत्म हो माइनस में तुझे रिव्यू यहाँ पे दूंगा, मतलब माइनस में स्टार तुझे दूंगा। वो लड़का शोइंग जिसको हमारी गोइंग ने सब बंद करके रख दिया था ताकि भाई कुछ भी यहाँ पे ना करे, हाँ तो अभी तक बंद यहाँ पे था, हल्का सा उसको दिखाया देता शूट यार वाग उसको मिल गया है वो रिफाइन यहाँ पे करे, नहीं नहीं यार करने दे नहीं सकते हमारा पूरा मेहनत यहाँ पे पानी में चल जाएगा। वो बड़े भले भाई तुम कहाँ पर, तुम आ कहीं को नहीं रहे हो तो वो भी यहाँ पे आ ही रहा था, हमारा मेक अटैक का लेवल अप हो जाता है और क्यू आर रिफाइन चेंज के छठे पे चल जाता है। ये भी खुश हुआ यार कि आ गया यहाँ पर, 2 मिनट के अंदर ना अच्छे से रिफाइन करके अपनी बॉडी के साथ यहाँ पे जोड़ लूंगा तो फिर पील बनाना ना वो पील बनाना भी बहुत ज्यादा आसान यहाँ पर हो जाएगा, तो ये भी अपने काम में ना लगा पड़ा है। वही अंदर से देखा जा रहा है शोइंग उसको पूरा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं 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 यार मैं बड़े भाई के साथ मिलकर उसको सपोर्ट यहाँ पे करूँ, उसके लिए मैंने ये सब यहाँ पे किया है यार, अगर इसने आग रिफाइन के लिए तो मुसीबत आ जाएगा, इसलिए खुद को पूरी कोशिश करता है जात करवाने के लिए, बड़े गुस्से में था। ओयंग में नोटिस कर लेते गुस्से में लग रहा यानी जलन, या तुम पक्का ये क्यों यहाँ पे रोकना ही चाहते हो, आई मीन हमारे मेकेट को रोकना चाहते हो, मैं बिल्कुल भी करने दूंगी नहीं। और तभी जो बड़ा भाई ना बड़ा भाई वहाँ पे एंट्री मारते सबसे पहले जो शोइंग है ना शोइंग को यहाँ पे आजाद करवा लेता है, जिसको देखते हो यंग कहते अरे यार तुम खुद डरे कि यहाँ पे जान से मारने के लिए आ गए, या तुमको सच्ची में शर्म वरम यहाँ पे नहीं आती क्या, ये कहते मुझे कोई शर्म वरम यहाँ पे नहीं आती और मैंने यहाँ पे ठान लिया है कि आज ना इस मेन कैटो को यहाँ पे जान से मारूंगा, जो बीच में यहाँ पे रोकने आएगा उसको भी जान से मारूंगा। वो कहती मैंने भी कसम खा ली कुछ भी हो जाए मैं मेन कैटो को यहाँ पे बचाऊंगी, इसलिए सुनो फेंग मेरी बात यार इसको लो और लो के यहाँ से निकलो जब तक ना मैं इसके साथ यहाँ पे फाइट करती हूँ। तो वो सामने से हमारे मेन कैटो पे अटैक कर देता है, हाँ तो हमारी जो ओयंग है ना वो बचा लेती हूँ, कहती गद्दारी करवे तू भी गद्दारी करेगा, ये कहता गद्दारी करेगा, अरे मैंने बहुत पहले गद्दारी यहाँ पे कर ली है तो भाई कोई फायदा यहाँ पे नहीं उसको बचा के, उसको मरने दो भाई आप हमारे साथ यहाँ पे मिल जाओ, ये कहती है ऐसा जिंदगी में कभी भी होने वाला नहीं हो, फिर से अटैक करता है तो ये फिर से उसका अटैक यहाँ पे रोक लेती है। ये जो बड़ा भाई था वो भी कहता जो भी आज मेरे बीच में आएगा ना और जो मेन कैटो से मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसको मारने से वो नहीं बचेगा, ये ले कमी नहीं, इतना बोलकर ओयंग पे हमला करता है, ओयंग भी अपने ताबू से अटैक को सह लेती है तो उसको हल्का फुल्का सा चोट लगता है, लेकिन तो भी हार नहीं मानती और सामने से कहती कुछ भी हो जाए आज ना मैं तुमको मेन कैटो को हाथ भी लगाने नहीं दूंगी, जो तुमको करना ना तुम यहाँ पे करके दिखाओ। सामने से वो भी कहता हम तो बहुत कुछ करके दिखाएंगे, जो चैन यहाँ पे था ना चैन से फिर से हमला करती है, वो चैन के हमले से आराम से डॉज कर लेता है घोस्ट एस्केप टेक्निक यूज करके, जो यंग देखे चौंक जाते घोस्ट एस्केप टेक्निक और वैम्पायर एस्केप टेक्निक जो कि हमारे मेन कैटो
बेटर प्रैक्टिस करता है। ये दोनों समझे हमारे सेट के दो सबसे बड़े ना एस्केप टेक्निक यहाँ पर है। इसने ये भी सीख लिया है यार, इससे इसका स्पीड यहाँ पे बड़ा तेज हो गया है यार, ऐसे तुम इसको यहाँ पे बिल्कुल भी रोक नहीं पाऊंगी। वो भी कहता है क्या वो फट यहाँ पर ना, तो मरेगी, तू मरेगा मतलब तू मरेगी, मैं कटर यहाँ पे मरेगी। ये भी सोचते अगर ऐसे चलता है तो सच्ची में मैं भी और मैं कटर यहाँ पे मर जाएगा। तो मुझे लगता है जो कॉफिन है ना, वो कॉफिन यहाँ पे ओपन करना ही पड़ेगा। तो कॉफिन यहाँ पे ओपन कर लेती है तो अंदर एक छोटी बच्ची यहाँ पे थी, आत्मा कह लो या उसकी लाश यहाँ पे कह लो। वो दोनों लड़के देख के चौंक जाते हैं कि अरे यार इसने सच्ची में कॉफिन ओपन कर लिया। दूसरे कहता लेकिन डोंट वरी, हमारे साथ ये बड़े भाई है ना, तो हमारे कुछ होने नहीं देंगे। तो सामने से बड़ा भाई कहता भी कि तूने कॉफिन ओपन कर लिया, तुझे क्या लगता है इससे तू मुझे रोक पाएगी बिल्कुल भी ना। इतना बोल के हमला कर रही थी कॉफिन के अंदर, वो जो लड़की यहाँ पे थी ना छोटी बच्ची, वो सामने से हमला करती है, जिससे इस बड़े भाई का पूरा दिमाग हिल जाता है और खुद को बड़े अजीब से जगह पे पाता है। ये भी कंफ्यूज भैया हम कहाँ आ गए। तभी दूर ना एक लड़की बैठी हुई थी, कोई और नहीं बल्कि ये वाली लड़की बैठी हुई थी जिसको हमने पहले कई बार देखा है। वही देखती है इसको बड़े भाई को और कहती है वहां पे खड़े भाई को आओ यहाँ पर और बैठ के हमारे साथ बातचीत करो। और वहां से जो बंदे यहाँ पे थे ना, उनको ऐसा लगता है कि उसने अपनी घोस्ट एस्केप टेकन यूज की, उसके अटैक से यहाँ पे बच के वो यहाँ से चला गया। वो यार मानना पड़ेगा उसकी घोस्ट एस्केप टेकन कितनी ज्यादा कमाल की यहाँ पर, या बल्ले बल्ले। सामने से अपने ओयंग कहती भाई तुमने गद्दारी यहाँ पे किया, जो गद्दारी यहाँ पे करता है ना उसको एक ही सजा मिलती है, वो है सजाए मौत, तुमको भी सजाए मौत मिलेगी, ये लो। इतना बोल कर ना उनके ऊपर भी ऐसा अटैक करती है। तो वो भी ऐसे जैसे जैसे अटैक रोकते हैं और कहते सुनो भाई तू गद्दारी हमारे साथ करिए भाई, भलाई इसी में तू भी हमारे साथ आ जा, हमारे सपोर्ट में खाली बड़ा भाई नहीं बल्कि उसके ऊपर ना और भी बड़े बड़े सपोर्टर यहाँ पर है। मनी मन सोचता भाई हमको लगा अटैक से बचने के लिए वो बड़ा भाई यहाँ से निकल गया, लेकिन क्या मुझे ऐसा क्यों लगता है डर के मारे यहाँ से चल गया, अभी तक वापस काई को नहीं आ रहा। अब आते बड़े भाई की ओर जो कि अजीब से एरिया में पहुंच चुका था, उसने कहा था कि आके बैठो मेरे पास। ये भी बैठ जाता है, पहचानता है कि आपका नाम नू है ना, जो सीनियर लिए उनके अंडर में आप काम वाम यहाँ पे करती हो, अचानक से आप यहाँ पे आना, मुझे रुकना बैठाना, कुछ कहना है क्या। वो कहती है जो पाइलिंग है ना यानी मैं कटर, उसको हाथ भी मत लगाओ। तो ये सुनते ही चौंक जाता है, क्या रे बाप रे, ये खुद यहाँ पर पाइलिंग के लिए यहाँ पर आई है। हमको लगा पाइलिंग के ऊपर का जो सपोर्टर यहाँ पर है जेंग यहाँ पर है, लेकिन जेंग के ऊपर जो सपोर्टर है सीनियर ली, शायद वो भी पाइलिंग को सपोर्ट यहाँ पे करती है तभी तो आ गई। लेकिन मैंने कसम यहाँ पे खा ली कि भाई जब तक मैंने पाइलिंग को जहाँ से नहीं मारा मेरा इनर डेमोन यहाँ पे खत्म नहीं होगा, इसलिए अपने इनर डेमोन खत्म करने के लिए मुझे जहाँ से मारना ही पड़ेगा। इसलिए कहता भी कि अगर मैंने जहाँ से मारा तो मालूम है क्या इसका सर गाल के ऊपर एक हल्का सा कट का निशान बन जाता है। उसने अपने हाथों में सुई धागा का ऐसा कुछ लिया था और उसकी एक फोटो बनी हुई थी, उसने फोटो के गाल पे ऐसा सुई यहाँ पे लगाया था, तो इसके रियल वाले गाल के ऊपर ना सुई यहाँ पे लग गया, यानी भाई बंगाल की लगती है, जादू टोना यहाँ पे जानती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।